हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए हैं। टॉपिक का नाम है एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जय विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है जीवाश्म विज्ञानी प्रमाण, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष अथवा भूमि एवं चट्टानों में अंकित चिन्ह को फॉसिल्स कहते हैं तथा जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान अथवा पैलेंटोलॉजी कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन सर्वप्रथम लियोनार्डी दा विची ने किया, इसलिए इन्हें जीवाश्म विज्ञान का पिता फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्मी संयोजी कड़िया, इसमें फर्स्ट है जीवाश्मी संयोजी कड़िया। फॉसिल्स कनेक्टिव लिंक, कुछ ऐसे जीवों के फॉसिल्स प्राप्त हुए जिनमें अपने समीप के दो जीव वर्गों अथवा समूह के लक्षण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है आर्कियोटेरिप्स, इनमें से एक है। अगला है घोड़े का विकास, इवोल्यूशंस ऑफ हॉर्स। जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि क्रमशः सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ। उदाहरण स्वरूप भूवैज्ञानिक कालों में उपलब्ध घोड़ों अथवा घोड़ों जैसे एकमात्र जीव के जीवाश्म के आधार पर आधुनिक घोड़े इक्वस के विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। एग्जाम्पल है इओहिप्पस, प्राचीनतम घोड़े के समान जीव को वैज्ञानिकों ने इओहिप्पस कहा। अगला है 20 तुलनात्मक आकारिकी एवं आंतरिकी के प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम कंपरेटिव मार्फोलॉजी एंड एनाटोमी। जीव विज्ञान की उस शाखा को हम मार्फोलॉजी कहते हैं जिसके अंतर्गत जीवों की आकृति, स्ट्रक्चर एवं उनके विभिन्न ऑर्गन्स के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। मार्फोलॉजी के अंतर्गत आने वाले निम्न लक्षणों के माध्यम से हम जीवन के कार्बनिक विकास को प्रमाणित कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है समजातता, होमोलॉजी। जंतुओं में पाए जाने वाले वे ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चर तथा उत्पत्ति में समानता प्रदर्शित करते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है विभिन्न जीवों के पंख तथा अग्रपाद में समजातता। अगला है समवृत्तिता, एनालॉजी। यह प्रकृति में समजातता के विपरीत होती हैं। अनेक जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न ऑर्गन्स रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हुए भी कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं, ये एनालोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है तितली के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख, एनालॉजी के एग्जाम्पल हैं। थर्ड है अवशेषी अंग, वेस्टिजल ऑर्गन्स। जीवधारियों में अनेक ऑर्गन्स होते हैं जो नॉन फंक्शनल्स होते हैं, फिर भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी अभिलाक्षणिक रूप से चलते रहते हैं। अकेले मनुष्य में 180 अवशेषी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, पुच्छ, अस्थि। अगला है एटेविज्म, शरीर के पैतृक लक्षण जो कि कभी पूर्वजों में थे परंतु अब या तो नहीं है अथवा बेकार है, उनका पुनः प्रकट होना एटेविज्म कहलाता है। एग्जाम्पल है कुछ बच्चों, नवजात में छोटी पूंछ दिखाई देना, कानों को घुमाने की शक्ति आदि। फिफ्थ है हृदय की संरचना में समानता, सिमिलरिटी इन हार्ट स्ट्रक्चर। इनके अलावा भ्रूण के और भी अनेक प्रमाण हैं जो जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। एग्जाम्पल है स्तनधारियों तथा पक्षियों के हृदय में भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, यह मत्स्य वर्ग का लक्षण है। अगला है भ्रूणिका के प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीव के भ्रूणी विकास में वे सभी अवस्थाएं आती हैं जिससे उस जीव का विकास हुआ, अतः उनके पूर्वज जिन अवस्थाओं से गुजरे हैं यह अवधारणा पुनरावर्तनवाद रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहलाती है। एग्जाम्पल है यदि हम फिश, सिलामेंडर पक्षी, रैबिट तथा ह्यूमंस के एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट का अध्ययन करें तो उनके प्रारंभिक अवस्थाओं में अत्यधिक समानता परिलक्षित होती है। समानताओं के कारण इनके भ्रूणों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। उपरोक्त सभी जीवों के प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में टेल तथा गिल्स पाए जाते हैं। यह बात प्रमाणित करती है कि इन सभी जीवों की उत्पत्ति ऐसे जीव अथवा पूर्वज से हुई है जिनमें गिल्स तथा टेल उपस्थित थे। अगला है आणविक प्रमाण, मॉलिक्यूल्स एविडेंस। इसमें फर्स्ट है जीव रसायन के प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन विज्ञान के अनेक पहलू भी पृथ्वी पर जैव विकास की प्रक्रिया को
प्रमाणित करते हैं कशेरुकी जंतु की मांसपेशियों में फोस्फोक्रिप्टिन पीसी नामक रसायन पाया जाता है, जबकि अकशेरुक जंतुओं में फोस्फो आल्बिजिन पीए नामक रसायन उपस्थित होता है। इन जंतुओं को कोर्डेटर तथा नॉन कोर्डेटर फाइलम में शामिल किया गया है। अगला है सीरम विज्ञान के प्रमाण एविडेंस फ्रॉम सीरोलॉजी। रक्त में उपस्थित कोलोइडी द्रव कोलोइडी फ्यूल्ड को सीरम कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं। सीरम के अध्ययन को सीरम विज्ञान अथवा सीरोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल हैं कुत्ते तथा भेड़ियों के सीरम में केमिकल समानता पाई जाती हैं।